हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्वास राणा और आप देख रहे हैं फाउंडेशन गुरु। बेटा आज मैं इस क्लास में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, करंट अफेयर्स का। 30 सितंबर 2021 से लेकर 1 अक्टूबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स है, 2 दिन में जितने भी हुआ है, जो भी हुआ चीज, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। एक एक डेट वाइज हम चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 30 सितंबर की। एमसीक्यू में फॉर्म में होंगी, जैसे कि आप सभी को पता है। जल्दी से आपने आंसर देना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला होता है ऑलरेडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं सीआईपीईटीबी के नाम से जाना जाता है, वो किस सिटी में खोला है 30 सितंबर को। तो आपको ये बताना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौन सी सिटी में खोला है भाई सीआईपीईटी। ठीक है, रायपुर, पटना, जयपुर और या भोपाल। यहाँ आपके सामने ऑप्शंस है, रायपुर, पटना, जयपुर एंड भोपाल। तो करेक्ट आंसर है इसका जयपुर। बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर सही दिया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, ऐसे ही देखो एक एक करके हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आपको सभी को पता ही है, जो मेरे चैनल में ऑलरेडी जुड़ा है उसको पता भी है, जो आज पहली बार आया है, अगर उसको नहीं पता तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी जल्दी से बजा देना। ठीक है, आपको नई नोटिफिकेशन आती रहेगी। हर एक 2-3 दिन बाद मैं आपके लिए एक नए करंट अफेयर्स के लिए लेकर आता हूँ, सो दैट आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, ठीक है, एनटीएससी, एनडीए, वो सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स, और इसकी बहुत महत्व भी माना जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में सीआईपीईटी भी बोलते हैं, राजस्थान जयपुर की डिस्ट्रिक्ट में कर चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन हॉकी प्लेयर्स हैज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द स्पोर्ट। इंडियन हॉकी टीम के एक प्लेयर ने रिटायरमेंट की एक अनाउंसमेंट करी है कि भाई वो मैं रिटायर लेना चाहता हूँ। कौन से है? देखो एक हिंट मैंने आपको सामने दे दिया है, ये हिंट है, यही चीज वो व्यक्ति है जिन्होंने है। अब जिनको इनका नाम पता है, थोड़ा सा साइड हट जाता हूं जिससे आपको पता चल जाए, जिनको इनका नाम पता है तो वेल एंड गुड है, अगर नाम नहीं पता तो दिक्कत आने वाली है बेटा, सिंपल सी बात है। और इनका नाम है रुपेंद्र पाल सिंह। इंडियन हॉकी प्लेयर रुपेंद्र पाल सिंह ने डिसाइड किया है रिटायर लेने का हॉकी में से। ठीक है, वो कौन है? वो डिफेंडर माने जाते हैं बेटा, बहुत बड़े डिफेंडर है, ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में वो खेले भी थे इंडियन हॉकी टीम से, बहुत बड़ी बात है बेटा उनके लिए। एनीवे, एक और बात इसी से एक रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। इंडियन क्रिकेट सॉरी इंडियन का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? आप में से काफी बच्चे बोलेंगे हॉकी है सर, सबको पता है, मगर इसका आंसर गलत है। इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं माना जाता है। ये जो आप लेडी देख रहे हो स्क्रीन पर, ये व्यक्ति, इन लेडी का नाम है नजिला बोडिन। ठीक है, इनका नाम जो है, ये फर्स्ट वीमेन मानी जाती है प्राइम मिनिस्टर डेसिग्नेटेड हुई है ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज में? अलेग्रिया, लिबिया, चैड या टूनिशिया। मैं 2 मिनट साइड हो जाता हूँ, एक बार आप देख लीजिए बेटा क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है ये, जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मान जाती है। आंसर है डी, टूनिशिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अल्गेरिया एंड लिब्रिया के बीच में आती है ये कंट्री, जैसे कि आप देख ही सकते हो रेड कलर का इनका फ्लैग माना जा रहा है। टूनिशिया के प्रेसिडेंट और सितंबर 29 की बात है, नेमली नजला बोडिन, एक कंट्री की फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है, उनकी डेजिग्नेशन चेंज हुई है। ठीक है, और अब देखो अभी ये फॉर्म होता है, जल्दी से हो जाएगा। नेक्स्ट, विच नेशन प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर अ प्रिजन इमरजेंसी आफ्टर 116 पीपल वर किल्ड इन अ राइट। भाई इतने दंगे फसाद क्यों करते हो भाई? दंगे फसाद में लोग मारे जाते हैं, सभी को पता है। ठीक है, तो कौन से प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया प्रिजन इमरजेंसी? ठीक है, तो वो है इक्वेडर है। ठीक है, और देखो जब भी इमरजेंसी की बात चलती है ना, तो मेरे को एक कंट्री का नाम याद आता है। इंडिया में भी इमरजेंसी लगी थी जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उससे पहले भी लगी थी जब वॉर चल रहे थे तब भी इमरजेंसी लगी थी, मगर वो इतना वो नहीं था। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो वो आपको सिनेरियो पता है, क्या सिनेरियो था, क्यों इमरजेंसी लगाई गई, क्या इमरजेंसी लगाना उस वक्त अनिवार्य था, जरूरी था या नहीं था, आपको क्या कमेंट में जरूर मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट, तो क्वेडर प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया स्टेट इमरजेंसी इन
इंटरप्राइजल सिस्टम आफ्टर ऑलमोस्ट 116 पीपल किल्ड और 80 लोग घायल भी हो चुके इस बैटल में, ठीक है, एक क्या बोल सकते हैं भाई, वॉर है तो मारेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है भाई, सिंपल सी बात है। 30th सितंबर को मैरिटाइम डे मनाया जाता है, ठीक है, और कब मनाया जाता है 30th सितंबर को, ये बात सभी को पता है। क्यों पता है ये, ऑब्वियस इतना क्यों है, जस्ट बिकॉज 30th सितंबर का करवा तो 30th सितंबर ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑब्जर्व एवरी ईयर साल ये जो होता है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं IMO जिसको हम बोलते हैं वो ऑर्गेनाइज करवाता है इसको, ठीक है। और इस बार की जो थीम थी सी फेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। ओके नेक्स्ट, ये जो दो व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं एक तो फ्रेंच की है, ठीक है, और दूसरा में कौन है, विच कंट्री विल बाय फ्रेंच वॉरशिप्स इन अ न्यू मल्टी बिलियन यूरो डिफेंस डील। बहुत अच्छी डील हुई है भाई इनके बीच में, देखो शक्ल ही बता रही है इनकी कैसी डील हुई है, देख लीजिए एक बार आप भी, ठीक है। तो कौन सी कंट्री की टीम ही है, चलो एक हिंट दे दो छोटी सी, मेरी एक वन ऑफ माय ड्रीम सिटी मानी जाती है बेटा, बहुत प्यारी सिटी है, मतलब सिटी नहीं बोलूंगा सॉरी कंट्री है, ठीक है। और आंसर इसका ग्रीस, इसका करेक्ट आंसर है। ओके तो फ्रांस और ग्रीस ने अनाउंस किया एक न्यू मल्टी बिलियन यूरो डिफेंस डील जो कि September 28 में हुई थी, ठीक है। ग्रीस विल बाय 3 फ्रेंच वॉरशिप एज अ पार्ट ऑफ द डील टू बूस्ट वॉरशिप एज अ पार्ट ऑफ द डील, सॉरी दोबारा बोल दिया मैंने। और इसकी जो डिफेंस कैपेसिटीज है ईस्टर्न जो साइड में अगर हम देखें तो वो भी धीरे धीरे बढ़ने वाली है। नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये एक्सटेंड कर दिया दैट द वैलिडिटी ऑफ द व्हीकल डॉक्यूमेंट्स एक्सपायरिंग ऑन 30th सितंबर टिल व्हेन, ठीक है, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट का जो एक्सटेंड कर दिया वैलिडिटी एक्सटेंड कर दिया जिसकी भी 30th सितंबर से लेकर कौन सी तारीख तक का वो वैलिड रहेगा डॉक्यूमेंट, तो सरकार दिल्ली गवर्नमेंट का ये एक नतीजा आया है, ठीक है। चलो तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, तो कौन सी डेट तक किया गया है एक्सटेंड जल्दी से बताइए। तो आंसर है भाई नवंबर 30 तक दिल्ली सरकार मिनिस्ट्री रोडवेज, ठीक है, जो कि आप सभी को पता है कौन से व्यक्ति, आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कौन सी मिनिस्ट्री में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज दिल्ली गवर्नमेंट में 29 सितंबर को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। जितने भी व्हीकल्स है जैसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर एक्सपायरिंग, ठीक है, सितंबर से लेकर टिल नवंबर 30 तक जो है वो उसको बढ़ा दिया, मतलब उसका एक बोलते ना कि मतलब वैलिडिटी बढ़ा दिया बेसिकली। और ये जो अनाउंसमेंट है कम्स आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनिस्ट्री, किसने ये अनाउंसमेंट किया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट करी ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट F1 ड्राइवर टू विन 100 रेसेस, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने F1 ड्राइवर जिसने 100 रेसेस जीत चुके हैं, भाई बहुत बड़ी बात है, F1 जीतना मतलब जान की बाजी लगानी होती है बेटा, बहुत खतरनाक गेम होती है F1, आप में से काफी लोगों को पता भी होगा, है ना। ओके तो कौन है, फेडरेंडो अलोंसो, लेविस या फिर सेबेस्टियन या फिर किमी, तो आंसर है लेविस इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेविस हैमिल्टन बिकम द फर्स्ट फॉर्मूला 1 F1 जिसको हम बोलते हैं ड्राइविंग, 100 रेसेस वो जीत चुके हैं 26 सितंबर 2021 को उन्होंने अपनी फिनिशिंग की थी फर्स्ट में, ठीक है, 2021 रशियन ग्रैंड प्रिक्स में, और दिस वाज़ द फिफ्थ विन फॉर हैमिल्टन इन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स सीजन, ठीक है, तो एक इनके लिए बहुत बड़ी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेटा 1 अक्टूबर के लिए, हम बात करते हैं कि 1 अक्टूबर को क्या क्या चीजें हुई थी, नॉट एग्जैक्ट 1 अक्टूबर मतलब इसी की रिगार्डिंग हम आगे पीछे थोड़ा बहुत बात करते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू करेंसी विद 6 फ्यूअर जीरोस, ठीक है, ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया और मैक्सिको, देखो फोटो में ही शायद मेरे को दिख रहा है ये नाम आ गया है, तो नाम को मिटा देते हैं हल्का सा, आप पता चल गया होगा वैसे, तो भाई आंसर है वेनेजुएला।
वेनेजुएला। आपको एक बात बता दूं, वेनेजुएला जो कंट्री है, जैसे ब्राजील के साथ में कंट्री है, सभी को पता होगा ये बात। वेनेजुएला एक टाइम पीरियड में एक ऐसी कंट्री मानी जाती थी बेटा, जहां पर पेट्रोल की बिल्कुल हाईएस्ट पे था, तो लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता था पेट्रोल के नाम पर, ठीक है। चलो, और ये झंडा है वेनेजुएला का, जो है झंडा माना जाता है द हाईएस्ट, यू नो। और वेनेजुएला की हिस्ट्री पढ़ना है, फिर बहुत मजेदार है। अभी अभी जो 3-4 साल पहले जो इधर हुआ था वेनेजुएला में, क्राइसिस हो रहे थे तब के पढ़ना। तो उन्होंने न्यू करेंसी निकाली है 100 बोलिवियर्स एज कंपेयर टू द अर्लियर हायर डिनोमिनेशन ऑफ द 1 million बोलिवर। बोलिवर क्या होता है सभी को बताओगे, वहां की करेंसी। नेक्स्ट, Which country's vice president is visiting India between October 1 से लेकर October 4 तक 2021? कौन सी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में विजिट करने वाले हैं? और उन्हीं का ही ये मैंने झंडा भी लगा रखा है, ठीक है। तो आंसर है कोलंबिया। कोलंबिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो और वाइस प्रेसिडेंट और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी है, ठीक है, वो माता लुसिया रेमिज डी रिनकॉन, ये जो है व्यक्ति, ये लेडी जो है, ये आएंगी इंडिया आएंगी। कब इनका शेड्यूल है? 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक, ठीक है। और इनकी जो मीटिंग है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ होने वाली, जो कि वेंकैया नायडू माने जाते हैं। वेंकैया नायडू जी के साथ इनकी वो है मीटिंग है। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स जो है मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी, उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट, India has resumed negotiation for compensative economic cooperation agreement with nation. India ने resumed कर दिया negotiation for a comprehensive economic cooperation agreement. ठीक है, कौन सा agreement? Economic cooperation agreement. किस country के साथ? तो आपको ये बताना है, answer है इसका Australia. ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने ये डील करी है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने रिज्यूम किया है अपना नेगोशिएशन, ठीक है, ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट ड्यूरिंग द 17th इंडियन ऑस्ट्रेलियन जॉइंट मिनिस्ट्री कमीशन में हुई है। इनकी बात दोनों नेशन जो है वो अपनी कमिटमेंट कर चुके हैं, साइन भी कर चुके हैं, और एंड ऑफ द 2022 तक इनका ये रीच भी कर जाएगा। नेक्स्ट, Which country will be lifting its 18-month international border restriction in November? Which country will be lifting its 18-month international border restriction in November? New Zealand, North Korea, USA या Australia? Okay, answer आपको पता ही चल गया होगा। कैसे पता चल गया होगा? शक्ल देखकर पता चल गया होगा। Australia के हैं भाई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने अनाउंस किया है 1 अक्टूबर को दैट 18 मंथ्स बैन लग गया है ऑस्ट्रेलियन ट्रैवलिंग अबाउट में विद द लिफ्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और ये क्यों किया गया है? कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस को लेकर उन्होंने स्टेप्स उठाए गए हैं। ये क्वेश्चन एनडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा बेटा, पहले मैं आपको बता रहा हूं, बाद में मत बोलना सर आपने बताया नहीं था। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को 3 districts में। कौन सी स्टेट्स में? उन्होंने किया है 6 महीने के लिए, उन्होंने आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को उन्होंने बढ़ा दिया, जिसको अफस्पा भी के नाम से जानते हैं। अफस्पा आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। और 3 districts में किया गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में हुआ गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है आर्म फोर्स एक्ट जो 3 districts में अरुणाचल प्रदेश के, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों किया गया है? फॉलिंग अंडर द 2 police station boarding Assam by the another 6 months, उन्होंने declare कर दिया है और अब ban होने वाला है इनमें, ठीक है। Next, who has become the first Indian woman to score a test 100 on Australian soil? भाई ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी में किस महिला ने test 100 जीता है? उनकी पिक्चर भी है रखी है, स्मृति मंदवाना, हरमनप्रीत कौर, मिथाली राज या फिर शेफाली वर्मा। और आंसर है इसका ए, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना जो है वो हमारी फर्स्ट इंडियन वुमेन बन चुकी है स्कोर टेस्ट 100 ऑस्ट्रेलियन मिट्टी में, ऑस्ट्रेलियन सॉइल। उन्होंने अचीव किया फिट वाइल बैटिंग ड्यूरिंग द इंडियन फर्स्ट इनिंग ऑन द सेकेंड डे ऑफ द फर्स्ट पिंक बॉल टेस्ट मैच जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया की टीम से हुआ था, उन्हीं की टीम में, उन्हीं की मिट्टी में उन्हीं को हराना कैसा लगता है हमसे जरा पूछिए जरा
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका हैज, और ये लास्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका हैज बैंड द इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इन विच कंट्री। श्रीलंका ने भाई बैन कर दिया इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, दैट मींस इसमें इंडिया का फायदा, अरे शिट बता दिया, इसमें इंडिया का फायदा होगा। फायदा कैसे होगा, क्योंकि एक कंट्री से उन्होंने बैन कर दिया है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जहां पर मैन्युफैक्चर होते हैं उनको बैन कर दिया है, तो इंडिया के लिए फायदेमंद है कि इंडिया जो है उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो किसके साथ किया है, ऑब्वियसली बात है इंडिया के साथ नहीं किया, उन्होंने बैन नहीं किया हुआ, इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली है कि चाइना इज द आंसर। देखो आप मेरी बात सुनना, चाइना इज द करेक्ट आंसर, बात समझो कैसे, श्रीलंका ने बैन कर दिया इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन चाइना। ठीक है, अब जब चाइना के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे, जब चाइना के साथ बैन कर दिए, दैट मींस कि इसमें इंडिया का एक फायदा हो सकता है। आप इंडिया के मिनिस्टर्स देखते हैं क्या इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं या नहीं करते, क्योंकि इंडिया को यहां पर बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो सभी को पता है हमारे को क्या आता है, पैसा आता है, और जब पैसा आता है हमारी कंट्री में तो हमारी कंट्री को फायदा भी आता है। ये डिफरेंस दे रखा है बेटा केमिकल फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में, तो आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है, पॉज करके आप पढ़ सकते हो, लास्ट ईयर वैसे। ओके, थैंक यू सो मच, बस आज के लिए इतना काफी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब बटन दबा देना, और कोई भी अगर वीडियो का अच्छा पार्ट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मेरी वीडियो हमेशा 9:15 में आती है, और 9:45 पे आती है, और अगर कोई भी किसी को क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हो, वन टेक शूट लेता हूं हमेशा सभी को पता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।